देखिए जी, मैं अभी डायरेक्ट बारात से सीधा अब्दुल्ला भाई के घर आया हूँ। ठीक है, मेरी ये थी कि इन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि मैं आपकी शादी पे हर रात इवेंट की वीडियो बनाऊंगा। चलो, मेहंदी भी मैंने मैनेज कर ली। ठीक है, आज मेरी बारात थी, मैंने कहा निकाह की, साइन करने की, हर चीज की दुआ की मेरी वीडियो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। इसीलिए मैं डायरेक्ट इन्हीं के घर के पास आया हूँ, और घर आके मैंने इनसे ये गिला भी किया है। लेकिन अब अब्दुल्ला भाई हमारे एक खास भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और हमारे लिए एक एहतराम भी हैं, तो मैं इनके साथ बदतमीजी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि ये मेरे लिए माजरत भी करें। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात पे ये ना समझिएगा कि अब्दुल्ला भाई शायद मतलबी हैं, नहीं, ये बात कभी सोचिएगा भी नहीं। तो लिहाजा बस इतना चाहूँगा कि अब्दुल्ला भाई के फेवर में भी अच्छी जाए। मेरा सिर्फ ये एक छोटा सा जनरली पैगाम था कि इंसान की जिंदगी में आज के वक्त में मसरूफियात इतनी है कि पर्सनल से पर्सनल और जरूरी से जरूरी शादी भी नहीं अटेंड कर पा रहे। नाजरीन, इनकी बात दुरुस्त है, उसमें जाना मेरे पास टाइम की सूरत नहीं बन पा रही थी, मैं एक एमरजेंसी में चला गया था, लेकिन ये बरात लेके सीधा मेरे घर, अपना बरात आगे चली गई है, जो ना अपनी गाड़ी बाहर रोकी और सीधा मेरे पास आ गए, और यहाँ अपना टूटी करवा के अब ये जा रहे हैं। लेकिन हम उन्होंने कहा कि माधुर के लिए नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि माधुर चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, सनीता फरमाए। नाज़रीन, आगे बढ़ता हूँ, और सबसे पहले अहम बात तो यह है कि ये दूल्हा और दुल्हन ट्रिक बारात से सीधा मेरे घर आए हैं, और ये बारात लेकर अपने घर जाते हैं, अपने इनके घर वाले वहां इंतजार, लेकर ये बारात छोड़कर सीधा मेरे घर तशरीफ लाए हैं। ये पूछते हैं ये क्यों, इससे ये खुद ही सारा कुछ बताएंगे। जी आप बताइएगा, सबसे पहले तो हम आपको वो बाद में मुबारक, चले जी मुबारक इन्हें दे देते हैं जी, आपको शादी की मुबारक। मैंने आपसे ऐसी मुबारकबाद नहीं ली, आपने ज्यादती की है मेरे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, और सॉरी आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुल्फकार, मेरी आज बारात थी, मैंने आज उनका बहुत इंतजार किया, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं आए मेरे पास। मेरी भी एक जिद थी कि मैं डायरेक्ट यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ठीक है ना, और मैं आज अब्दुल्ला भाई के पास आया हूँ, और मैं इनसे नाराज़ हूँ। इनको YouTube पर वीडियो बनाने की फुर्सत के अलावा कोई काम ही नहीं है कि कोई इनको भाई या कोई बहन नज़र आ रही है कि किसी की शादी अटेंड कर लें, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नाराज़ होना अच्छी बात नहीं है, नाराज़गी अच्छी नहीं होती। तो लिहाजा ये अब्दुल्ला भाई से अभी मैं कहने आया हूँ कि ये कल मेरे वलीमे पे भी आएंगे, और अभी मैं इनको साथ अपने घर लेके जाने वाला हूँ, बाकी ये आप इनसे बात कर लें। नाज़रीन, मैं आपके सामने इनसे माजरत चाहते हैं इस हवाले से, बाकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी मजबूरियाँ हैं, और ये भी जानते हैं बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन ये कि आप इनसे अब सवाल जो हमारा वो है, आप माजरत के हवाले से आप राजी हैं जी? अब तो मैं राजी हूँ, बहुत बात है जब मैं आपके घर आ गया, आप ये मेरे घर पे तशरीफ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई, और अपने दुल्हन को लेकर सीधा मेरे घर पे ही आए हैं, और यहाँ आज ये दोनों बाकी यानी कि लोग साइड पे हैं, वो कैमरे में नहीं आना चाह रहे थे, ये दोनों मियाँ भी यहाँ मौजूद है आपके सामने। अब इनसे हम सारा सवाल जो होगा वो ये है कि इनकी शादी अरेंज रिश्ता है या लव मैरिज या अपना रिश्तेदार जो भी है, सुरताल जी बताएंगे जी भाई, आप बोले आपका ये अरेंज रिश्ता था या क्या? जी ऐसे समझ लें ये मेरी लव मैरिज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लव मैरिज में अक्सर शादियां दूसरी तरह से होती हैं, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज शादी घर वालों की बड़ों की रजामंदी से हुई है, माशाल्लाह से दोनों रिश्ते, दोनों बड़े आपस में मिलकर उन्होंने रिश्ता किया और शादी हो गई है, ठीक है। वैसे तो अब्दुल्ला भाई जिस तरह की बात सवाल कर रहे हैं, हालांकि पता तो इनको भी अच्छे तरीके से है, लेकिन आप देख लें, मैं आप क्या बताऊंगा, जब इनको पता भी था देख लें, अब शादी पे भी नहीं है, तो अब बारात पे तो चलो समझ आती है कि बट ये अब इन्होंने बात कर दी है, लेकिन मेरी तरह से तो अभी चौके है, लेकिन कल ये वलीमे पे आएंगे इंशाल्लाह, वलीमे पे आपसे मुलाकात होगी जरूर अब्दुल्ला भाई के साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाज़रीन आप यानी कि अब ये बताएंगे आप अपनी शादी से मुतमईन हैं, खुश हैं? अच्छा नाज़रीन एक बात, इनकी जो लव मैरिज के रिश्ते की बात है, माशाल्लाह दुल्हन इनकी बहुत खूबसूरत है, हसीन है माशाल्लाह, लेकिन ये खुद और वैसे तो इंसान है, अल्लाह के ये बंदे हैं, हम ये इतराज तो नहीं करना चाह रहे, हमें इतराज नहीं है, ना ही कभी कर सकते हैं, लेकिन ये काले आदमी थे और अपना कटो, क्योंकि काम काम तो ये पीठ करते हैं नहीं, तो ये इन्होंने आपसे शादी कर ली। देखिए जी,
शक्ल सूरत का तो मुझे नहीं पता, जिस तरह मुझे अल्लाह ने बनाया। बाकी खर्चों की बात है, जब बीवी आ गई है तो काम बखुद हो जाएगा। अब टेंशन ना ले, बीवी का नसीब अपना, मैं अपने नसीब से चलता जाऊंगा। अल्लाह खैर करे, बस आप लोगों की दुआएं भी चाहिए। दुआ कीजिएगा कि मैं अपने हालातों को और इन चीजों को बदल के अपने एक अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह नाज़रीन, तो दूसरा हमारी ये भी दुआ है, जोड़े को सलामत रखे, मुबारक करे पेशा निकाह को और इसमें बरकत दे, क्योंकि निकाह सुन्नत बरकत है और अल्लाह की तरफ से बड़ी बरकत होती है। और अल्लाह इन्हें नए गुलाब से भी नवाजे और नए काले लाभ दे, खरफियत और सलामती वाले लाभ दे, और आगे इस जोड़ी को अल्लाह मजीद फल बढ़ाता जाए, बढ़ती जाए आगे आगे, और अल्लाह इन्हें खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। और आपने भी दुआ करनी है, लेकिन ला मैरिज जरूर शादी थी, ला मैरिज था इनका, लेकिन उन्होंने बतौर जो सके बताया और इस निकाह के हवाले से रजामंदी से बड़ों ने बैठ कर फैसला किए करके जो है रजामंदी से जो है निकाह किया है और इनका निकाह कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश रहे। और बाकी हम दोनों से भी बात करना चाहते हैं। बाकी अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा सब माशाल्लाह से कोई शादीशुदा भी हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं भी है उनको भी पता है कि जब दुल्हन बारात के साथ आती है दुल्हन बहुत शर्माती है, वो इतनी बात नहीं कर पाती है। तो अगर इस वीडियो में दुल्हन आपसे बात ना कर पाए तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर औरत अपने इस वक्त में इतनी शर्माती है कि वो अपने मुंह से बात नहीं निकाल पाती है। तो इसके लिए मेरी तरफ से माजरत है। लिहाजा अब्दुल्ला भाई के इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमें इन्होंने जो है ना इस वीडियो में शामिल किया, इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन इन्हीं की खातिर मैंने इस गीले पर आज ये वीडियो बनवा कर ये बात की थी, तो ये हमारा पर्सनल मैटर था घर में बैठ के बात करने का। लेकिन अब्दुल्ला भाई अब आपका काम है, ठीक है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपको सुनकर बाकी इनसे शेयर करते हैं। नाज़रीन हम इनसे ये सवाल करते हैं कि भागकर भी शादी कर सकते थे, निकाह कर सकते थे भागकर, लेकिन ये रजामंदी के साथ उसने निकाह किया है और बड़े अदब एहतराम के साथ दोनों फैमिली में रजामंदी के साथ, लेकिन ये जो लोग भागकर निकाह करते हैं कैसे ये काम कहावत बनी हुई है कि अपना बड़ी मुंडा रास्ते की करेगा मुलाकात, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? आप दुल्ला भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने बाप के शादी नहीं की है तो अगर घर वालों की बड़ों की रजामंदी से शादी की है तो इसमें मुझे सुकून नियत है। जो बाप के शादी करते हैं मेरे नज़र में अगर देखा जाए, अब मैं जो सोचूं तो वो शादी शादी नहीं होती, लड़का परेशान लड़की परेशान, ठीक है। बाप की शादी करने का मजाज बनता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और जो लड़के ये चीज सोच रहे हैं घर में बैठे, या लड़की सोच रही है कि मैं बाप की करूंगी, लड़का सोच रहा है, तो मैं उसके लिए ये मैसेज दूंगा कि ये गलती मत करे। आज के वक्त में जब लोगों ने लड़कों ने की है तो तब के तब कुछ बस गए थे, कुछ खत्म हो गए थे, कुछ रो के भाग गए, कुछ इधर भाग गए, तो ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो इंसान ख्वाब शादी के बाद देखे तो वो अच्छे हैं, शादी से पहले देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बड़े की रजामंदी से होती है शादी, जो वो सबसे अच्छी होती है, उनमें माँ बाप की, खानदानों की, सब की दुआएं होती हैं, ठीक है ना। तो इससे इंसान की जिंदगी अच्छी गुजरती है, हर कोई दुआएं करता है। तो बाप की शादी करने से दो खानदानों की तकलीफें बढ़ती हैं, ठीक है। हर कोई परेशान, भाई परेशान, बहन परेशान, उसका भाई परेशान, उसकी बहन परेशान, ठीक है, सौ मसले मसाइल। तो इस वजह से बाकी का बस इतना मैं कहना चाहूंगा सौरभ के भाई बाहर कर शादी मत करें, ठीक है। अगर घर वालों से एक बार शेयर करें, घर वाले आपको बुरा कभी भी नहीं कहेंगे। आप एक बार शेयर करके देखें, जैसे मैंने शेयर किया है, उन्होंने मेरी बात मानी है, गए हैं, उन्होंने बात की है, मेरी शादी रजामंदी से होगी है। तो आप लोग भी शेयर करें, घर वालों से बात करें और अपनी रजामंदी से शादी करें घर वालों की मर्जी से। लिहाजा बात कर शादी मत करें, आज का वक्त नहीं है एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना, बात कर, ठीक है। घर की रजामंदी से शादी होती है तो मियां बीवी की लड़ाई के मसले में माँ बाप फिर भी उस मसले को प्यार से बैठ के हल कर सकते हैं, बात कर शादी में नहीं होता, इस तरह घर बर्बाद हो जाते हैं। नाज़रीन बहुत अच्छा पैगाम दिया इन्होंने, दुल्हे साहब ने बहुत जबरदस्त पैगाम दिया, बहुत खूबसूरत जामे अल्फाज़ों में, शायद मैं ही अल्फाज़ ये शायद अपना ढूंढ कर तलाश करते करते मुझे भी टाइम लगता, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मुझे याद आता है कि प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा बेटा तीन बेहतर बातों को हमेशा याद रखना, जब भी शादी करो तो रजामंदी के साथ, यानी कि कोई लड़की लड़का राजी देखी करेगा मुलाकात नहीं, वो बात नहीं, यानी कि मियां बीवी की रजामंदी दोनों फैमिली खानदान, यानी कि लड़की के जो बहन भाई वालदेन हैं
वो राजी हो, इसी तरह लड़के के माँ बाप बहन भाई वो राजी, बाकी खानदान को छोड़ दें, अगर वो बीच में शामिल हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये दो फैमिलियाँ इतफाक के साथ रजामंदी के साथ हो तो अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। तो बाकी दूसरी जनाब बेगम पे जितना मर्जी खर्चा करते रहे कम नहीं होगा, तीसरा गाड़ी पर जितना मर्जी खर्चा करते रहे तो कम नहीं होगा, इसलिए जो चीज़ें लेनी हो तो आपस में इतफाक के साथ जो चीज़ें लेनी चाहिए इतफाक से लेनी चाहिए। और यहाँ मैं इनके थ्रू एक और पैगाम देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा था थोड़ी देर पहले तो भूल गए भाई, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि शादी करने से पहले तो कोशिश करें कि अज़वाजी ज़िंदगी की बुक पढ़े और पर्दे की पढ़े, इसके अलावा जो है दूसरा अज़वाजी ज़िंदगी अदाबे ज़िंदगी दो चीज़ें ये पढ़ी और तीसरा पर्दा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में कभी इस तरह की नाचाकियाँ नहीं आएगी और आप कामयाबी की तरफ चलते रहेंगे। नाज़रीन हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, उससे पहले ज़रा भाई से पूछते हैं कोई आप पैगाम देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को। मैं तो फिलहाल यही पैगाम दूंगा कि मेरी तो हुई अभी शादी, तो मैं तो अल्लाह से अब यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक मेरा आगे वाला जो रास्ता है वो आसान और अच्छा रखे कि ताकि मेरी और मेरी बीवी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, और मैं आगे होने वाली शादियों में के लिए भी कहूँगा और जिनकी हो चुकी है मुझसे पहले उनके लिए भी यही कहूँगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखें मियाँ बीवी, ठीक है। बाकी बीवी का जो हक है वो अपना वो फर्ज पूरे करें, जो बेटे का फर्ज है वो अपना बेटा फर्ज अदा करे, ठीक है। तो इख्तलाफात को जितना दूर रखेंगे उतना ही आप अपने घर में इत्तफाक और अच्छी एक तरबियत पाएंगे, ये मेरा एक मैसेज है। मजीद मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा बातें की जाए तो समझते लोग कम है, अमल कम होता है, थोड़ी बात में अमल ज़्यादा होता है। नाज़रीन बहुत अच्छा पैगाम दिया भाई साहब ने, बुरे साहब ने, अब बुरे साहब से एक दफ़ा फिर हम माजरे चाहते हैं, इंशाल्लाह इनकी वली में भी शिरकत करेंगे और वहीं से आप हमारे रात दिखाएंगे भी कोशिश करेंगे वीडियो में, ठीक हो उसके लिए माजरत, बाकी गाँव में याद रखिएगा कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए आपसे भी माजरे चाहते हैं, मेरी तरफ से भी माजरत है जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।